दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी बता रहा हूँ जिससे पढ़ने के बाद आपकी ऊर्जा पहले जैसे नहीं रहेगी। तो चलिए बिना आपका समय गंवाए मोटिवेशनल स्टोरी को शुरू करते हैं। हरीश नाम का एक लड़का था, उसको दौड़ने का बहुत शौक था। वह कई मैराथन में हिस्सा ले चुका था, परंतु वह किसी भी रेस को पूरा नहीं करता था। एक दिन उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह रेस पूरी जरूर करेगा। अब रेस शुरू हुई है। सारे धावक आगे निकल रहे थे, मगर अब हरीश थक गया था। वह रुक गया। फिर उसने खुद से बोला, अगर मैं दौड़ नहीं सकता तो कम से कम चल तो सकता ही हूँ। उसने ऐसा ही किया। वह धीरे धीरे चलने लगा, मगर आगे जरूर बढ़ रहा था। वह अब बहुत ज़्यादा थक गया था और नीचे ज़मीन पर गिर पड़ा। उसने खुद को बोला कि वह कैसे भी करके आज दौड़ को पूरी जरूर करेगा। वह जिद करके वापस उठा, लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ने लगा और अंततः वह रेस पूरी कर गया। माना कि वह रेस हार चुका था, लेकिन आज उसका विश्वास चरम पर था, क्योंकि आज से पहले रेस को कभी पूरा नहीं कर पाया था। वह ज़मीन पर पड़ा हुआ था, क्योंकि उसके पैरों की मांसपेशियों में बहुत खिंचाव हो चुका था। लेकिन आज वह बहुत खुश था, क्योंकि वह हार कर भी जीता था। दोस्तों हम भी तो इसी तरह की गलती करते हैं। हमारी लाइफ में कभी भी अगर कोई परेशानी होती है तो उस काम को नहीं करते और छोड़ देते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हो और रोज़ 10 घंटे की पढ़ाई करते हैं, और किसी दिन कोई परेशानी की वजह से आपकी पढ़ाई नहीं कर पाते, भले ही 5 घंटे मिले पढ़ने को, तो ज़रूर पढ़ना चाहिए। हरीश की कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अगर हम लगातार आगे बढ़ते रहें तो एक दिन हार कर भी हम ज़रूर जीत जाएंगे। प्लीज़ अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हमारा मोटिवेशनल चैनल है, प्लीज़ सपोर्ट करें हमारा।